भारत के बैंकों के बारे में रोचक जानकारी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का सबसे पहला बैंक खुला था। ब्रिटिश राज के समय तीन बैंक शुरू किए गए, जिनमें 1809 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, और उसके बाद इन बैंकों का विलय करके इन्हें नाम दिया गया इंपीरियल बैंक। 1955 में इंपीरियल बैंक को भारतीय स्टेट बैंक में तब्दील कर दिया गया। बंगाल बैंक भारत का सबसे पहला बैंक था जिसने चेक सिस्टम जारी करने की शुरुआत की। बचत खाते खोलने की सबसे पहली शुरुआत प्रेसिडेंट बैंक ने की थी। म्यूचुअल फंड सिस्टम शुरू करने वाला सबसे पहला बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था। वर्तमान में इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना बैंक है। आपको यह जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।